स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 है, द रन स्कोर्ड बाय द टीम ए एंड बी ऑन द फर्स्ट 60 बॉल्स इन अ क्रिकेट मैच। ये हमें डाटा दे रखा है, नंबर ऑफ बॉल्स 1 to 6, 7 to 12, इस तरीके से बता रखी है। वन से सिक्स बॉल्स में कितने स्कोर हुए, टू, 7 to 12 में कितना स्कोर हुए, वन, इस तरीके से हमें डाटा दे रखा है। टीम ए ने कितना स्कोर किया और टीम बी ने कितना स्कोर किया, हमें रिप्रेजेंट कर रहा है इस डाटा को ऑन द सेम ग्राफ बाय फ्रिक्वेंसी पॉलीगन में। तो सबसे पहले अगर मैं इसको देखता हूँ, नंबर ऑफ बॉल्स को, तो मैं देखता हूँ कि ये कंटिन्यूस जो है हमारे पास डाटा कंटिन्यूस नहीं, क्लास इंटरवल कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये 1 to 6 और ये 7 to 12 स्टार्ट होता है। तो आपको पता है कि जब इस तरीके से होता है तो हम क्या करते हैं कि लोअर लिमिट में जो है 0.5 को माइनस कर देते हैं। और वैसे आप देखें तो 6 - 1 5 होता है, 5 को अगर आप 6 माइनस, इसमें अगर 0.5 को आप जो है इसमें देखें 6 और 7 के बीच में गैप देखें तो 7 - 6 1 है, क्योंकि 7 - 6 आपके पास 1 है, और 1 को आप 2 से डिवाइड करते हैं तो 0.5 मिलता है। तो मैं लो अपर लिमिट में 0.5 प्लस कर दूंगा और लोअर लिमिट जो है ये 1, इसमें से 0.5 को माइनस कर दूंगा। तो इस तरीके से जब मैं इसे माइनस करूंगा तो, और अब यहाँ क्योंकि ये 6.5 है, यहाँ माइनस करूंगा तो 7 मेरा जो है ये 6.5 हो जाएगा, उसी तरीके से ये मेरा जो है 12.5 हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं इसे कंटिन्यूस जो है इंटरवल वन में इसे बनाता हूँ। तो नंबर ऑफ बॉल्स में मैं सबसे पहले जो मेरा 1 to 6 वाला था, जो कि स्टार्टिंग वाला था 1 से 6, तो मैं उसको जो है 1 से 6 की जगह मेरा जो है ये हो जाएगा 0.5, 0.5 से 6 की जगह 6.5, उसी तरीके से 7 की जगह 6.5 और 12 की जगह हो जाएगा 12.5, इसी तरीके से 13 जहाँ था वहाँ पर हो जाएगा, उसको माइनस करने पे 0.5 12.5, और 18 की जगह हो जाएगा मेरा 18.5, 19 की जगह हो जाएगा 18.5 और 24 की जगह हो जाएगा 24.5, इसी तरीके से 25 की जगह 24.5 नेक्स्ट इंटरवल में, और 30 जो है प्लस 0.5 ऐड करने पे 30.5, 31 की जगह 30.5 से ये मेरा हो जाएगा 36.5, 36.5 के बाद नेक्स्ट जो 37 था वो मेरा हो जाएगा 36.5 से लेकर 42.5, एंड नेक्स्ट 43 मेरा हो जाएगा 42.5 से मेरा 48.5, और 49 मेरा हो जाएगा 48.5, और 54 हो जाएगा मेरा 54.5, नेक्स्ट 55 जो है वो 54.5, और ये मेरा हो जाएगा 60.5। तो इस तरीके से अब मेरा जो क्लास इंटरवल है सारे कंटिन्यूस हो गए, 0.5 से 6.5, नेक्स्ट 6.5 से 12.5, तो ये कंटिन्यूस क्लास इंटरवल में है। अब यहाँ पर जो है अगर आप देखेंगे तो जब मैं इसमें क्लास मार्क्स निकालता हूँ, तो क्लास मार्क्स मैंने यहाँ पर जो है वो यहाँ मैं ड्रॉ कर देता हूँ क्लास मार्क्स को। तो जब मैं क्लास मार्क्स को यहाँ ड्रॉ करते जाता हूँ इसको इस तरीके से, तो आप देखेंगे जो 6.5 और 0.5 है, तो 6.5 में से क्लास मार्क्स निकालने के लिए आपको पता है कि मैं इसको 6.5 + 5 करता हूँ पहले वाले के लिए, तो ये 6.5 + 5 का मतलब है 7, और 7 को डिवाइड करता हूँ 2 से तो मेरे पास आ गया 3.5। उसका जो नेक्स्ट है 12.5 और 6.5, तो 12 + 6 18 और +5.5 को मतलब 19, 19 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास जो है ये आ जाता है 29 89.5, और इसके बाद मैं इनमें गैप देखूँ तो 6 का गैप है, तो 3 के बाद 6 9, 9 के बाद मैं जो है इसमें 6 ऐड करता हूँ तो मेरे पास जो है ये 15.5 हो जाएगा। 15 में फिर 6 ऐड करूँगा मैं तो मेरे पास जो है 21.5 आ जाएगा, 21.5 के, क्योंकि इसके बीच में 6 का गैप है, 9 + 6 3 + 6 9 9 + 6 15 6 15 + 6 21, और 21 + 6 27.5, 27 + 6 मैं अगर करता हूँ तो 33.5, और 33.5 के बाद नेक्स्ट 6 प्लस करता हूँ तो ये होता है 39.5, 39 में भी फिर 6 ऐड करता हूँ तो ये हो जाता है मेरा 45.5, और 45 में 6 ऐड करने पे ये हो जाता है मेरा 51.5, 51 में फिर 6 ऐड करूँ तो 51 में 6 ऐड करने पे ये हो जाता है 57.5। अब यहाँ पर आप देखिए
जब मैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को इसे ड्रॉ करूँगा, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जब मैं इसे ड्रॉ कर रहा हूँ और मेरे पास ये 6 और 1 था, मेरे पास 3 पॉइंट, इनके बीच में 6 का गैप है, तो एक क्लास इंटरवल में इससे 3.5 से 6 लेस करूँगा तो मुझे एक और क्लास इंटरवल 3.5 से 6 लेस करूँगा तो एक क्लास इंटरवल और मिल जाएगी। तो आप नंबर लाइन पर अगर आप देखें तो ये आपका इस तरीके से इधर कहीं 3.5 है, इसमें से 6 लेस करूँगा तो आप इसमें लेस करके देखिए। इसी तरीके से आपको 3.5 जो पहला वाला आपको क्लास मार्क्स इससे भी 6 माइनस करें तो आप देखें नंबर लाइन पे आप चलेंगे तो ये किस में आएगा, माइनस की तरफ आएगा। अब देखिए प्लस का 3.5 है, माइनस इससे 6 कर रहे हैं तो आप जानते हैं प्लस माइनस इज माइनस, तो 6 में से 3.5 को माइनस करता हूँ तो मेरे पास आता है 10 माइनस 5 5, और 5 माइनस 3 2.5, लेकिन साइड माइनस का तो माइनस का 2.5, तो ये जो होगा मेरा ये होगा माइनस का 2.5। और इसी तरीके से आप मैं देखिए 57.5 जो है मेरा जो लास्ट था इसमें भी प्लस 6 करता हूँ यहाँ पर, तो 57 में 6 प्लस करने पे मेरे पास जो है 57 और 3 जो है 60 और 3 63, तो ये आ जाएगा मेरा 63.5। तो एक जो क्लास मार्क मेरा रहेगा वो कौन सा रहेगा, 63.5 लास्ट में, जहाँ पे मेरी पॉलीगन एंड करेगा, और स्टार्टिंग कहाँ से करेगा, -2.5 से। तो देखिए जब मैं इसे ग्राफ में अब प्लॉट कर रहा हूँ तो आप देखें क्योंकि ये कंटिन्यूस इंटरवल पे नहीं है तो मैंने यहाँ पे ब्रेक कर दिया, और हमारा जो स्टार्टिंग हो रहा था इसका तो वो इस तरीके से था, जब मैं स्टार्टिंग पे कर रहा था तो अब मेरे पास जो क्लास मार्क्स हैं इसमें वो इस तरीके से हैं, मेरे पास क्लास मार्क्स 3.5 9.5, तो मैं इसको जो है यहाँ पर लिखते जाता हूँ 3.5। सेकेंड मेरे पास जो है वो है 9.5, थर्ड मेरे पास है 15.5, फोर्थ है 21.5, फिफ्थ है मेरा 27.5, सिक्स है मेरा 33.5, उसके बाद नेक्स्ट है 39.5, और 39.5 के बाद नेक्स्ट आपको मिलता है 45.5, एंड देन 51.5, देन 57.5, दिस इज 57.5, और ये मेरे पास है 63.5। और इसी तरीके से 0 से मैं अगर जो यहाँ देखता हूँ इस तरीके से, तो 0 के बाद मैंने अगर पहला 3.5 पे ले रखा है, तो इसी तरीके से कहीं मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि ग्राफ में, क्योंकि पहले वाले को मैंने 3.5 लिया है, पहले वाले जो यहाँ से स्टार्ट किया है तो 2.5 से कमी होगा, तो मैं मान लेता हूँ कि इधर कहीं पर 2.5 है जो कि किसका है, माइनस का 2.5 है मेरा ग्राफ में। अब देखिए आपके पास जो रन स्कोर दे रखे थे वो रन स्कोर जो थे वो इस तरीके से आपको दे रखे थे, टीम ए के थे 2 1 8 9 इस तरीके से हैं, तो टीम ए के जो रन स्कोर हैं वो मैं यहाँ पर अगर लिखते जाता हूँ टीम ए के रन स्कोर, तो वो मेरे पास आ जाएंगे 2 1 8 9 4 5 6 10 6 एंड 2, इसी तरीके से टीम बी के हैं 5 6 2 10 5 6 3 4 8 एंड 10। तो जो क्लास इंटरवल 3.5 है उस वहाँ पे टीम ए स्कोर करती है 2 रन्स, 3.5 पे जो है टीम ए जो है स्कोर करती है 2 रन्स, तो 3.5 को अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो टीम ए वहाँ पर स्कोर करती है 2 रन्स, इसके बाद मैं अगर देखूँ तो 9.5 में टीम ए स्कोर करती है 1 रन, तो 9.5 में टीम ए स्कोर कर रही है 1 रन, उसके बाद 15.5 पे टीम ए स्कोर कर रही है 8 रन, तो 15.5 में 8 रन्स का मतलब है ये, और उसके बाद 21.5 पे 9 रन्स, 21.5 नेक्स्ट वाला ही था वहाँ पे 9 रन्स, देन 27.5 पे 4 रन्स, तो 27.5 पे अगर मैं देखूँ तो ये मेरे 4 रन्स हैं यहाँ पर, और 27.5 के बाद 33.5 पे 5 रन्स, 33.5 पे ये मेरे 5 रन्स हैं, 39.5 पे 6, 39.5 पे 6, और इस तरीके से 45.5 पे 10, 45.5 पे रन स्कोर। इस तरीके से टीम ए का जो है यहाँ से 3.5, पहले जो 2 था यहाँ से मैं इसको जो ज्वाइन करते जाता हूँ, ये मेरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है, इसके बाद देन दिस
दिस इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और टीम ए, ये टीम ए का फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन चार्ट बन रहा है। अब देखिए स्टार्टिंग में 2-2.5 जो था यहाँ से मैं इसे ज्वाइन करा लेता हूँ, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही आपने यहाँ पर देखा था मैंने -2.5, और -2.5 को अगर मैं देखूँ क्लास इंटरवल में तो वहाँ पर जो रन स्कोर्ड है दोनों टीम जीरो, वहाँ तो कोई जो रन स्कोर्ड ही नहीं है। और लास्ट में हम 63.5 पे भी देखें तो यहाँ पे भी दोनों टीम का स्कोर जो होगा वो जीरो होगा। तो यहीं से हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन स्टार्ट हो रहा है, तो मैं इसे जो है -2.5 पे यहाँ से इसे ज्वाइन करा देता हूँ, और इसी तरीके से 63.5 पे इस फ्रीक्वेंसी पॉलीगन चार्ट को, टीम ए का जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन चार्ट है ये मेरा जो है, मैं यहाँ पे इसे लिख भी देता हूँ कि ब्लू से मेरा टीम ए का फ्रीक्वेंसी पॉलीगन चार्ट है। आप चाहें तो यहाँ पर इसे लिख भी सकते हैं, जैसे यहाँ पे 33.5 तो आप लिख सकते हैं 33.5, और एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का आप होता है 5। इस तरीके से हमेशा हम एक्स पहले लिखते हैं, यहाँ पर भी 9.5 और 9.5 और 1, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब मैं टीम बी के स्कोर को अगर देखता हूँ तो टीम बी का जो स्कोर है मेरा वो है मेरा, टीम बी के स्कोर को देखते हैं तो 3.5 पे 5 है यहाँ पर, इस तरीके से जो है ए का आपने जब कंप्लीट किया तो आप देखिए 3.5 पे 5 है बी के लिए, तो 3.5 पे 5 का मतलब है ये 3.5 पे 5। उसके बाद आप देखते हैं तो 9.5 पे 6, तो 9.5 पे आपको 6, 9.5 के बाद 15.5 पे है 2, तो 15.5 पे 2, 15.5 के बाद 21.5 पे 10, 21.5 पे ये आपका 10 है, 21 के बाद 27.5 पे 5, तो 27.5 पे ये आपका 5 है, 27 के बाद 33.5 पे 6, 33.5 पे ये आपका 6 है, 33 के बाद 39.5 पे 3, 39.5 पे 3, एंड देन 45.5 पे 4, 45.5 पे दिस इज 4, देन 51.5 पे 8, 51.5 को अगर आप देखते हैं तो दिस इज 51.5 पे 8, एंड देन 57.5 पे 10, 57.5 पे ये 10 है। तो अब मैं इसको भी ज्वाइन कर लेता हूँ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन चार्ट को, तो ये मेरा था सबसे पहले तो 3.55 टीम बी का है ये, 3.5 से यहाँ से आपका इन दोनों पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करते हैं ये है आपका, यहाँ से इसके बाद 3.5 के बाद नेक्स्ट आपका 3.5 का 9.5 ज्वाइन हो गया, 9.5 का 15.5 जो है ये आपका ये ज्वाइन हुआ, 15 के बाद 21.5 आपका यहाँ से आप इस तरीके से इसे ज्वाइन कर लीजिए 21.5, 21 के बाद 27 पे आपका यहाँ पर है आप इसे ज्वाइन कर लीजिए, 27 के बाद आपका 33.5 ये है तो आप यहाँ इसे ज्वाइन करिए, 33 के बाद आप देखते हैं कि अगला जो है 39.5, 33 के बाद 39.5, 39 के बाद आपका 45.5, देन 45 के बाद 51.5 आपका ये है, 51 के बाद 57.5, और लास्ट में एंड ये भी आपका 63.5 पे एंड कर जाएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन चार्ट टीम बी का, और यहाँ से 3.5 से ये भी 2.5 पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन चार्ट एंड करेगा। ये जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन चार्ट है ये आपका टीम बी का है, और इसी तरीके से यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं इसमें 39.5 और वाई एक्सिस में ये आपका है 3, और सारे पॉइंट्स जितने भी आपके पास पॉइंट्स है कोऑर्डिनेट उनके वहाँ पर आप कोऑर्डिनेट आप लिखने जाते हैं एक्स वाई उसमें लिख सकते हैं। इस तरीके से आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन चार्ट ड्रॉ कर दिया, यही आपसे बोला था क्वेश्चन में।